दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल पे फास्ट तरीके से कैसे अपने चैनल पे वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते और हैं। मैं और आपको बताऊंगा कि आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है जिससे कि आप चैनल मोनिटाइज करने में कोई परेशानी ना हो। आप इधर उधर से वॉच टाइम बढ़ाते हो टेढ़े मेढ़े तरीके से, जिस कारण से मोनिटाइज चैनल को मोनिटाइज होने में दिक्कत होती है। जब आप खुद से फर्स्ट टाइम बढ़ाओगे तो आपको अपने चैनल पे क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है जिससे आपके चैनल पे फ्यूचर में किसी प्रकार की समस्या या परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप टेढ़े मेढ़े तरीके इस्तेमाल करके अपना फर्स्ट टाइम तो बढ़ा लोगे, लेकिन फिर क्या है कि आप जो मिस्टेक कर लेते हो उस कारण से आपके चैनल को मोनिटाइज होने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आपको वीडियो पूरा पूरा देखें, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूंगा कि आप फास्ट तरीके से अपने चैनल पर वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं और आप चैनल पर क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है जिस कारण से आपको मोनिटाइज करने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें ताकि यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आपको आगे भी इसी तरह से मिलते रहे। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संजय धाकड़ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल SKTech25। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपने YouTube पे चले जाना है। YouTube में जैसे आप उसको ओपन करोगे तो आपको ऊपर ऊपर आपका चैनल का आपका लोगो दिख जाएगा, है ना, चैनल का लोगो दिख जाएगा। तो आप अपने चैनल का लोगो जो आपका मेन चैनल जिस पे आप अपना वॉच टाइम बढ़ाना चाहते हैं उसी पे आप लॉगिन रखेगा। तो इस पे आपके नीचे कोने में ये रखा हुआ आ रहा होगा, ये लाइब्रेरी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे बीच सेंटर में जो लिखा हुआ है प्लेलिस्ट, वो इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है ये प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, इस प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपके चैनल जिम में जो आप जो भी आपने वीडियो देखे हैं रिसेंटली वो वीडियो आपके इसमें शो हो जाएगी। तो इसमें से क्या है कि आपको अपने जिस पे वीडियो पे आप अपना वॉच टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके के रिसेंट वीडियो अगर आप यहाँ पे शो नहीं होंगे, नहीं हो रहे हो, तो आप क्या है कि अपने चैनल पे जाके उसको वीडियो को ओपन करके वापस बैक आ जाना, जिस ताकि आपका वीडियो आपकी इसमें यहाँ पर शो हो जाए। तो मैं अपने जिस पे आपको वॉच टाइम बढ़ाना है उनको सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। मैंने जैसे यहाँ पे 7 वीडियो ले ली है, ना, जहाँ 7 वीडियो ले ली है ऊपर नीचे ऊपर लिखा हुआ आ गया है 7, है ना, 7 वीडियो सिलेक्टेड है। जो 7 सिलेक्ट करें तो 7 सिलेक्ट करें, उसके बाद आपको क्या नया ऊपर जो नेक्स्ट का बटन लिखा हुआ आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइटल डालना है। तो टाइटल में जैसे अपन डाल देते हैं अपन को क्या वॉच टाइम बढ़ाना है, तो इसमें लिख देते हैं 4000 HOUR और वॉच टाइम WATCH वॉच टाइम लिख के लिख देना है इसमें चैनल पे। आपको इस पर नाम लिख देना है और नीचे जो लिखा हुआ है इसे प्राइवेसी, तो प्राइवेसी में क्या है कि आपको करना है पब्लिक, क्या कि बहुत सारे क्या है इस पर प्राइवेट और अनलिस्टेड करके रख देते हैं तो जिस कारण उनका वॉच टाइम नहीं बढ़ पाता है। तो आपको क्या करना है, इसको पब्लिश करके इसको आपको क्रिएट कर देना है। जैसे आपने देखा, आपने जैसे उस पर क्लिक करा तो नीचे ये वॉच नीचे वो बन के आ गए हैं 4000 आवर्स वॉच टाइम, ये आपके नए प्लेलिस्ट बन के आ गई है। तो आपको क्या करना है, अगर नहीं हो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने चैनल पे कचरे इसको आपको स्विच कर देना, स्विच करके एक नए आपके आईडी पे उस पर लॉग करना है, या फिर अल्टरनेट कोई से भी दूसरे आईडी पे या फेक आईडी पे आपको इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद क्या करना है, आपको अपने जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप देखते जाइए, है ना, तो ताकि जिस कारण से आपको आपके चैनल का वॉच टाइम ड्रॉप नहीं हो। तो आपको इसके क्या करना है, आपके सिक्योर रहने के लिए आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको क्या है यहाँ पर सर्च करना है VPN SECURE सिक्योर VPN आप करके आप इसको सर्च कर देना। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे इसको जो ऊपरी 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 जो आई है इसको आपको इंस्टॉल कर देना है। मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है इसलिए इसमें इस भी इंस्टॉल बता रहा है।
आप सॉरी इसमें इंस्टॉल नहीं करना है, आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। मैंने इंस्टॉल नहीं कर रखा तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ये इंस्टॉल हो गई है तो इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन कर देना है। जैसे आपको इस ओपन करोगे तो इसमें जो टर्म कुछ टर्म कंडीशन आपको एक्सेप्ट करने को लगेगा, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको नेटवर्क चेकिंग चल रही है, आपकी टेस्टिंग हो रहा है इसमें कनेक्ट। जैसे आप इसमें जो ऐड आएगा आप इसको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद नीचे आ गया है आपका कनेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके ये ओके कर देना, तो ओके करेंगे तो जैसे ही आपको इसको अलाउ करना तो ये आपका VPN कनेक्ट हो गया है ना। आपको जाना है अपने YouTube पे, जो YouTube पे क्या है कि आपका जो मेन चैनल है उसको आपने स्विच कर दिया है, तो आपको क्या करना है, अपने जो जिस चैनल पे आपको वॉच टाइम बनाना है उस चैनल को सर्च करेंगे। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ संजू टेक, ये चैनल अपने का चैनल का नाम लिख के इस पर सर्च कर देना है। जैसे देख रहे हैं संजू टेक ऊपर ऊपर जो लिखा हुआ आ गया है, ये हमारा चैनल है, इसको आप इसमें आपको विजिट करना है। जैसे विजिट करेंगे तो उसमें अपने को जो वीडियो है वो आ जाएंगे, वो जो ऊपर लाइन लिखी हुई आ रही है, जैसे होम वीडियो शॉर्ट लाइव और आगे, तो इसको क्या क्या आपको आगे स्क्रॉल करते जाना है। और आप देखो यहाँ पे आ गई प्लेलिस्ट में आप ऊपर ऊपर देखोगे 4000 आवर वॉच टाइम, जो उस समय आपने क्या है कि जो प्लेलिस्ट बनाई थी वो ऊपर ऊपर आपके इसमें शो हो जाएगी, और जिसमें आपने पहले भी आपने अगर वॉच टाइम प्लेलिस्ट बना रखी है तो वो आप भी आपके इसमें नीचे शो हो जाएगी। आपने जो अभी वॉच टाइम की जो प्लेलिस्ट बनाई है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या है कि आप देखेंगे तो इसमें जो जो आपने वीडियो सेलेक्ट करे हैं वो सातों वीडियो आपके इसमें शो हो रहे हैं, तो इसको क्या करना है, आपको उस आईडी से ही आपको इसको प्ले कर देना है। और मैंने याद रखना है कि आपको इसको जो चैनल मोनेटाइज नहीं है उस चैनल पे यूज़ करना है। आपको मोनेटाइज होने के बाद तो आपको ये टिक यूज़ नहीं करना है ना। तो जैसे ये चैनल मोनेटाइज नहीं, इस वीडियो को जैसे अपने चला दिया है ना, तो चला देने के बाद क्या है कि जो ये नीचे ये दोनों लिखा हुआ आ रहा है, ये दोनों लाइनें आ रही है, ये ऐसा बना हुआ रहा है, तो इसमें क्या करना है कि सिंपली जो आपको आगे वाले लिखा है इस पर आपको इस वाली लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या है कि आप इसको छोड़ देना है, जैसे छोड़ देंगे तो जैसे नीचे देखेंगे आप ये नीचे लिखा हुआ एरो का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद जो है आपके यहाँ पे थ्री डॉट जो इधर कोने में लिखा हुआ है थ्री डॉट, आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको इसको एरो बना के देखता हूँ। यहाँ पे थ्री डॉट बना हो रहा है ना, तो जिस पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो नीचे लिखा हुआ सेव प्ले लिस्ट करके आपको इसको कॉपी करके और जितने भी आपके मोबाइल हैं उन सभी में आपको इसको सेंड कर देना है। सेंड कर पांचों मोबाइल में इसको चालू करके, और ये जो लाइट साइड में लिखा हुआ रहा है लूप, इसको लूप मुक्का बटन करते हैं, इसको सिंपली इस पर टैप कर देना। टैप करेंगे तो क्या है कि ये कंटिन्यू में आपके जितने आपने अपने प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो आपने सिलेक्ट करे हैं वो सब कंटिन्यू में आप इसको चलते रहेंगे, जिस कारण से आपको बार बार इसको प्ले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे पांच मोबाइल में चलाओगे तो एक घंटे एक जिस वीडियो चलेगा तो आपका 5 घंटे का वॉच टाइम काउंट होगा। तो दोस्तों मैं अब आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको अपने उस आईडी से वॉच नहीं करना है जिस चैनल आईडी से आपको का चैनल बना रखा है ना, जिस चैनल के आईडी है आपके उस आईडी से आपको वॉच नहीं करना है। जब तक आपका चैनल आप दूसरी आईडी से वॉच कर सकते हो, लेकिन आपको जो चीज़ जिस आईडी पे आपका चैनल बना हुआ उस पे आप उस आईडी से आपको वॉच नहीं करना है, जब तक मोनेटाइज नहीं हो या हो उसके बाद है ना, जब तक मोनेटाइज हो जाए उससे पहले भी नहीं करना है, उसके बाद भी नहीं करना है। और जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो तो आप क्या एक ही मोबाइल में दूसरी आईडी को लॉगिन करके आपको दूसरी अलग अलग आईडी से आपको लॉगिन करके आप उसको वॉच कर सकते हो, लेकिन क्या है कि वो भी मोनेटाइज होने के बाद आप एक मोबाइल से आप दूसरी आईडी से भी वॉच नहीं कर सकते हो। लेकिन खाली क्या है कि आपको अपने चैनल के आईडी से ही अपना वॉच वीडियो को वॉच नहीं करना है, क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको अपना वॉच टाइम कम्प्लीट करना चाहते हैं, तो आप इसी तरीके से इस ट्रिक को यूज करके आप अपना वॉच टाइम कम्प्लीट कर सकते हो। आपको 2-4 वीडियो में मोबाइल में डाल के इसको वॉच टाइम कम्प्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है
तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को पे नया हो वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें ताकि यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।